वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट इज पोर्टफोलियो वेज एंड हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, नो बिगिनर हो, आप सबके लिए पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपने जो भी छोटा मोटा वर्क करा है वहाँ पर वो मैंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप फ्री एक अच्छे डिज़ाइन को लेके, जहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक कोड पे टच करने दूंगा और ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप कैसे बनाओगे और नो कैसे आप उस पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल लेके जाओगे, वो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस टूल पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया है उस पे एडिटिंग एंड सारी चीज़ों को बताने के लिए। तो ज़रूर आप एंड तक देखना और इम्प्लीमेंट करना। सेकेंड, मैं आपको इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, जहाँ पे आपको कुछ स्लाइड्स और एक्स्ट्रा मिलेगी, कुछ थीम्स एक्स्ट्रा मिलेगी। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द सर्विसेज। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन गाइज, मैं यहाँ पे आया हूँ Doric.com में। यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं एंड क्लिक ऑन दिस Doric नाउ। इस पर आप क्लिक करोगे एंड यू विल लैंडेड टू अ पेज जहाँ पे आपको नॉर्मल जीमेल से, जो भी आपका जीमेल है उससे साइन अप करना होगा। वंस यू साइन अप, यू विल लैंडेड टू देयर डैशबोर्ड। तो मैं क्विकली यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे अभी इनके डैशबोर्ड पे आ गया। दिस इज द डैशबोर्ड वेयर आई विल कम। मैंने ऑलरेडी एक पब्लिश करी हुई है यहाँ पे, वेयर आई विल गो एंड क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। नई वेबसाइट्स में आऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। कोई भी डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिक करो, बनाओ, आपके पास लैंडिंग पेज आपका रेडी है। आपको कुछ ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, बस इनके जो टूल्स हैं वो आपको ज़रूर देखने पड़ेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। एंड यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन, यू कैन चेक द प्रीव्यू ऑफ दिस, प्रीव्यू ऑफ दिस। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन पे आएंगे एंड आपको मैं अगर इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा, इट्स अमेजिंग। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इट विल क्विकली कम इन टू योर स्क्रीन। अब आपको मैं बता देता हूँ, इट्स सो सिंपल, सो ईजी। अगर मैं आपको 4 and 5 steps भी बताऊंगा और कहाँ पे एडिट करने हैं, आप day 1 से इसको बनाने लग जाओगे। आपकी पोर्टफोलियो, आई कैन गारंटी विदिन 30 minutes के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो का URL रेडी करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस कैसे है, जब आप यहाँ पे आ जाओगे क्विकली आप देखोगे आपके पास लेआउट। प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं हमें यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, कलर स्कीम, कलर थ्योरी, इन सब के बारे में नहीं पता। तो अब क्या हुआ, आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो डिज़ाइन रेडी है। ऑल यू नीड टू मेक सम चेंजेस और इफ यू वॉन्ट टू एडिट समथिंग, वो भी आप आराम से आप इस पर कर सकते हो। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो सच अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन विद गुड कलर स्कीम, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको और कोई थीम पसंद आ रही है, वो थीम सेलेक्ट करो। मैं अभी इसको इस थीम में कर रहा हूं। ये टैब कंपैटिबल है, ये मोबाइल कंपैटिबल है, आपको सारी की सारी चीजें कंपैटिबिलिटी मिली हुई है। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे आ रहा हूं। यहां पे आने के बाद आपके बड़े बेसिक बेसिक ऑप्शन है, ये आप सीख लोगे, जल्दी से कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। हेलो आई एम, यहां पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं। यहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से। आप इसको एडिट कर सकते हो, आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो एलिमेंट को, और यू वॉन्ट टू एड सम अदर फीचर, आप न्यू फीचर भी एड अ न्यू एलिमेंट से कर सकते हो, और यू कैन डिलीट इट क्विकली। मैं यहां पे क्या करता हूं, इसका नाम चेंज करता हूं विद द हेल्प ऑफ एडिट एलिमेंट। आई क्विकली यहां पे गया और यहां पे आने के बाद आई विल गिव द नेम, लेट्स सपोज वरुण जायसवाल। मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया और मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे मैं इसको साइज बढ़ाना चाहता हूँ, बोल्ड इटैलिक। आप क्विकली देखोगे आपको वर्ड पावर पॉइंट आता है ना, तो आप आराम से कर लोगे। क्रॉस किया, यहाँ पे देखो मेरा नाम आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं चेंजेस कर लूंगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट फॉर मैं यहाँ पे मार्केटिंग डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, यहाँ पे मैंने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग लिख दिया। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि यू नो इट्स सो इजी, आप इसको फटाफट समझ सकते हो। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इनके चेंजेस कर सकते हो। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जो भी आपको ड्रिबल से रिलेटेड जो आपको लिंक देना है वो यहाँ पे आप लिंक डालिए और यहाँ पे आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। अब बात आती है इफ यू वॉन्ट टू एड सम न्यू फीचर, अगर आपको अपना कुछ और एलिमेंट ऐड करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे लगता है कि काउंटडाउन ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, टैब ऐड करना है, बटन ऐड करना है, लेट्स वो जी मैं भी हटा दूंगा। मैंने काउंटडाउन ऐड कर दिया। अगर मुझे लगना है कि माय सर्विसेज फॉर नो हाफ द कॉस्ट माय सर्विसेज फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, यहाँ पे मैंने काउंटडाउन लगा दिया। यू कैन गो फॉर द काउंटडाउन ऑल्सो। अगर आपको लगता है ये काउंटडाउन डिलीट करना है, यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। सो इजी, इट्स एवरी थिंग इज सो इजी। क्लिक करो, आपके पास सारे बटन है, क्लिक करो। यहाँ पे अगर यू वॉन्ट टू चेंज योर इमेज,
यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे एडिट एलिमेंट में, चेंज योर इमेज, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, एड एन इमेज, मैं क्विकली कोई भी इमेज जो मेरे पास है, यहाँ पे मेरी ये इमेज है, मैं अभी कुछ भी ट्रायल के लिए आपको ये इमेज लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी क्विकली एक इमेज लगा दिया। इमेज लगाने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं स्टाइल में, देखो आप थोड़ा यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में गया और अगर मुझे लगता है इसका नो इफ यू वांट टू चेंज इसका वर्टिकल चेंज, लेट सपोज ये आप देख, तो अगर आपको थोड़ा सा इसको यू हैव टू प्ले अराउंड, बड़ा सिंपल है। जनरल ट्रांसफॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्केल चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये रहा, अगर आप यहाँ पे आओगे एडिट सेक्शन पे आओगे, इधर आप देखोगे ये कलर है, इसको हटाइए और लेट सपोज आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस कलर, इसमें ज़्यादा मैं थोड़ा सा हल्का सा ये आ गया, तो यू कैन यूज दिस। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्रॉस करो, अगर आपको लगता है कि ये चीज चेंज करनी है, नो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यू बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सेक्शन है फ्रेम, इधर है कॉर्नर्स, कॉर्नर पे आपको कौन सा कॉर्नर चाहिए, ये डिजाइन कॉर्नर है, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, जो आपको चाहिए, जो पसंद आता है आपको वो आप सेक्शन लीजिए, आपका डिजाइन रेडी है। इट्स सो सिंपल, आपने अपना फ्रंट बेस कितना अच्छा बना लिया। यहाँ पे आप लिंक्स चेंज कर दिए जो आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे अब आता है ये वाला सेक्शन। सो गाइस दिस सेक्शन इज अबाउट मी, यू कैन चेंज अ फोटो इन द सेम वे जो मैंने अभी ऊपर बताई है, देन यू कैन कम ओवर हियर, राइट अ वेरी ब्यूटीफुल अबाउट मी दैट आई शुड टेल एवरीथिंग अबाउट योर नो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी यू आर गिविंग द सर्विसेज एंड प्लस दैट एक्चुअली अट्रैक्ट ऑल द क्लाइंट्स। अच्छा ये इसके बारे में है, थोड़ा अच्छा सा अबाउट मी आप लिखो एंड और इसमें पूरा ऐड कर दो। डाउनलोडर रिज्यूमे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इफ यू वांट टू नो क्लिक ऑन द डाउनलोडर रिज्यूमे, ड्राइव का में आप अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे आइए क्लिक करिए, यहाँ पे बटन का लिंक है, यू कैन ऐड अ बटन लिंक एंड क्विकली आप उसमें ऐड कर सकते हो। सारी चीजें सो इजी है, सो क्विकली है, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप बटन लिंक में आप अपना लिंक ऐड करिए, क्लिक करेगा डाउनलोड हो जाएगा उसके पास। नीचे आएंगे माय सर्विसेज में, यू कैन एनी टाइम चेंज अ लोगो। अब यहाँ पे आती है आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यू नो अब बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इफ यू वांट टू प्रोवाइड 2 services, 3 services, 4 services, एनी सर्विसेज यू को वांट टू गिव, तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप 2 services कर रहे हो तो डिलीट कर दो, अपने आप यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5 सर्विसेज होगी पहले और अपने आप यहाँ पे एडिट हो जाएगा। डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट डिलीट, जो आपको लग रहा है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, यू कैन मेक द चेंजेस। थर्ड आता है यहाँ पे सेक्शन आ जाता है माई वर्क का, यू कैन चेंज। अब मैंने आपको बताया था अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने आपके रिलेटिव से आपको काम मिला, आपको नया फाइवर का काम मिला है और भी जो भी काम मिला हुआ है, सबकी एक स्क्रीनशॉट लगा के उस ब्रांड की वेबसाइट लगा के आप अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर लगाइए, 2 लगाना, 4 लगाना, डिलीट कर दीजिए। इस तरीके से आपके क्या क्या स्किल्स हैं, यू कैन ऐड योर स्किल टोर की है, ये सारी स्किल्स हैं, आप सारी चीज़ें जानते हो। मैंने हमेशा बोला है जो भी आपकी स्किल्स है प्रॉपर लिखिए, क्या पता आपको एक काम की जगह 2 या 3 काम और मिल जाए और यू कैन इंक्रीज योर अमाउंट, आप अपनी इंक्रीज सर्विसेज करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टेस्टिमोनियल, यू कैन मेक द चेंजेस ऑन अ टेस्टिमोनियल। सो गाइस लास्ट में इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर आपको कोई सेक्शन ऐड करना है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन अपने तरीके से डिजाइन करना है, वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गया ऐड अ सेक्शन में और मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, बट अभी मैं चाहता हूँ इधर लास्ट वाले सेक्शन में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैंने जल्दी से इधर गया, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन है, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लिया और इस पर्टिकुलर एलिमेंट में चाहता हूँ मैं हेडिंग, मैंने क्या किया यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस, जैसा आपको बनाना है आप वैसा बना सकते हो, मैंने कॉन्टैक्ट अस का हेडिंग दे दिया। तो इधर मैंने जो मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर है उसमें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी की पिंटच ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चेंजेस करके आप बना सकते हो, इट्स सो ईजी। क्विकली अब आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है, पब्लिश करने के लिए बोलेगा प्रोजेक्ट नेम, अभी मैं राइट नाउ कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ एग्जाम्पल 2 यहाँ पे डाल दिया और मैं यहाँ पे पब्लिश साइट कर दिया, नाउ इट्स डन गाइस। अगर आपको कस्टम डोमेन लेना है, कस्टम डोमेन पे ये लोग पैसे चार्ज करेंगे, वो भी आप लेना चाहते हो, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आपको abcd.com लेना है तो आप कस्टम डोमेन में जाके अपना खुद का एक डोमेन ले सकते हो, varunjaiswal.com और xyz.com। अगर आपको नहीं करना तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी है, इसको यूज़ करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, एडिट करिए, आपको कोई और चीज़ देने की ज़रूरत है नहीं। सो गाइज होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, होप आपको क्विक पोर्टफोलियो डिजाइन पसंद आया, अगर पसंद आया जरूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच, टेक केयर।